सरकार ने कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा नु जलंधर पहुंचन ते गार्ड ऑफ ऑनर दिता गया। इस दौरान आम आदमी पार्टी दे विधायक अते पीए दे रिश्वत कांड संबंधी अमन अरोड़ा ने कहा कि भगवंत मान दी सरकार विच भ्रष्टाचार दे मुद्दे दे किसे नु भी बख्शा नहीं जांदा, भावे अपना होवे जा पराया। मंत्री अरोड़ा ने सुखबीर बादल ते निशाना बिंदिया कहा कि उन्हां दी सरकार 10 साल सत्ता विच रही ता उस समय उन्हां दे मंत्री अते विधायक पूरी तरह भ्रष्टाचार विच गड़ूचन, इसलिए उन्हां नु भ्रष्टाचार दे मुद्दे ते गल ही नहीं करनी चाहीदी। उन्हां नु साडी सरकार वल्लों कीती जा रही कारवाई ते कुछ भी कहण दा कोई अधिकार नहीं। इस बयान तो बाद उन्हां कहा कि इस मामले विच कुछ नहीं कहना चाहुंदे, विजिलेंस विभाग मामले दी जांच कर रहा है। साबका कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ते बोल दिया, उन्हां कहा कि कांग्रेस सरकार वेले उन्हां दे विभाग दे एक अधिकारी ने इस घपले दा पर्दाफाश किया सी। उस समय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सन, उन्होंने धर्मसोत नूं बचाउण लई केस दबाया, उन्हां नूं क्लीन चिट दित्ती सी। अमन अरोड़ा ने कहा कि विजिलेंस विभाग अपनी कार्रवाई करन, जेकर ओह गलत हन तां उन्हां खिलाफ कार्रवाई कीती जावेगी, उन्हां नूं सजा भी दित्ती जावेगी। पंजाब विच लोकां नूं 5.50 रुपए प्रति स्क्वेयर फुट दे हिसाब नाल रेत मिलनी शुरू हो गई है। 16 खड्डा तो चंगा हुंगारा मिल रहा है, लोकां नाल कीते वादे पूरे हो रहे हन। 50 होर अजियां खंडा तो रेत काट के 5.5 रुपए दा हिसाब नाल लोकां नूं दित्ती जावेगी। इस नाल रेत माफिया दी रीढ़ दी हड्डी टुट जावेगी। जलंधर विच लंबे समय तो बंद पए फ्लाईओवरां बारे बोलदिया अरोड़ा ने कहा कि अज दी मीटिंग तो बाद उन्हां फ्लाईओवरां दा काम जल्दी शुरू कर दित्ता जावेगा, जिस नाल लोकां नूं राहत मिलेगी।